अब हम एक न्यू एक्टिवेशन करेंगे। अब न्यू एक्टिवेशन करने के लिए हमने टू टाइप्स के टैब प्रोवाइड किए हैं, एक एसटीबी ने स्टॉक, जहाँ पे आपने भी एसटीबी ने स्टॉक में हैं वो आपकी लिस्ट आउट हो जाएंगे, और आप जिस एसटीबी पे भी राइट साइड में क्लिक करेंगे तो आपको एक टैब ओपन हो जाएगा जिसमें आप सैप आईडी जनरेशन कर सकते हैं। और सैप आईडी जनरेशन सब्सक्राइबर के मोबाइल नंबर एंटर करने पे आपका सैप आईडी जनरेट हो जाएगा और उनको बाया एसएमएस चला जाएगा। सेकेंड, आप एड सब्सक्राइबर से जाके भी आप सैप आईडी जनरेशन कर सकते हैं। यहाँ से आप एसटीबी सेलेक्ट करेंगे और सब्सक्राइबर का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड सैप जनरेट करेंगे। यहाँ पे टू टैब्स हैं, एक ऐड सब और एक जनरेट सैप। अब मैं आपको ऐड सब की बटन के लिए बता देता हूँ कि यदि आप ऑलरेडी एक सैप नंबर जनरेट कर चुके हैं इस मोबाइल नंबर पे इस एसटीबी के लिए, तो आप ऐड सब कर सकते हैं यदि आपको 15 मिनट नहीं हुए हैं तो, और यदि 15 मिनट से ज़्यादा आपको हो गए हैं तो आपको फिर से जनरेट करना होगा, क्योंकि जो ओटीपी की जो वैलिडिटी है वो 15 मिनट की। मैंने एक यहाँ पे अब सैप नंबर जनरेट कर लिया है। अब वो सब्सक्राइबर के फ़ोन नंबर पे एक एसएमएस के थ्रू एक ओटीपी आएगा जो आपको वेरीफाई कराना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा सैप वेरीफाई हो गया है। इसमें आपका एक्टिव स्कीम्स, जितने भी आपके न्यू एक्टिवेशन के टाइम पे आपके स्कीम आते हैं वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आएंगी। सब्सक्राइबर टाइप, आपका कौन किस टाइप का सब्सक्राइबर है, आपका एसटीबी आपका ऑटो फिल हो के आता है, और विद बीसी नंबर, मोबाइल नंबर जिस पे आपने सैप जनरेट किया है, रेफरेंस नंबर आपका ऑप्शनल है, पिन कोड आपको मैंडेटरी है, आपको डालना होगा, ईमेल आईडी आपकी ऑप्शनल है, एंड यदि आप किसी भी एसटीबी को न्यू एक्टिवेशन के टाइम पे लाइनमैन को टैग करना चाहते हैं तो आप यहां से लाइनमैन सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। अब आ गया है सब्सक्राइबर डिटेल पेज, जिसपे मैं सब्सक्राइबर की डिटेल मेंशन, नेम आपका कंपलसरी है, सब्सक्राइबर नेम, फादर नेम आपका ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, प्लॉट नंबर हाउस नंबर आपका कंपलसरी है, लोकेलिटी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं नहीं तो ये भी ऑप्शनल है, आपका पिन कोड एक्टिवेशन पेज पे डाला था वो ऑटो यहाँ पे आके फिल हो गया है, और पिन कोड के भी यहाँ पे आपका स्टेट एंड दिल्ली फिल हो गया है। यहाँ पे आपके न्यू ऑफर्स हैं, आपका न्यू ऑफर्स में आपका ये लिस्ट है, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपका ईमेल आईडी आपका ऑप्शनल है, फ़ोन नंबर ऑप्शनल है यहाँ पे। तो आप कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आप पैकेज एडिशन पे हो सकते हैं, आपने जिस सब्सक्राइबर की डिटेल्स फिल किए हैं उस सब्सक्राइबर को आप यहाँ पे पैकेज असाइन कर सकते हैं, आप पैकेज नेम सर्च कर सकते हैं और प्राइस के थ्रू शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। मैंने एक पैक हिंदी सेलेक्ट कर लिया जिसके साथ में मैं FTA 3 FTA 1 भी दे सकता हूँ साथ में। अभी मेरे पास टोटल 2 काउंट्स हो चुके हैं। मैं इसको साथ में ब्रॉडकास्टर बुके भी दे सकता हूँ, और ब्रॉडकास्ट बुके पे भी आप पैकेज नेम सर्च कर सकते हैं, प्राइस के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं, एंड ब्रॉडकास्टर बुके में भी आप ब्रॉडकास्टर की लिस्ट में से किसी को एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मल्टीपल ब्रॉडकास्टर बुके के भी ऐड कर सकते हैं एज पर वेब। मैं यहाँ पे फ्री अलाकार्टा भी दे सकता हूँ, और अलाकार्टा भी मैं प्राइस के थ्रू फिल्टर कर सकता हूँ और सर्च कर सकता हूँ चैनल नेम्स। मेरे पास ये मेरा योर कार्ट है जिस पे आपने जितने पैकेज आपने DPO सेलेक्ट किए हैं, आप सिंगल DPO के साथ आ सकते हैं, एंड मैंने एक ब्रॉडकास्टर बुके लिया है, मेरे पास एक FTA 1 पैक है, DL है, और ये 3 अलाकार्टा है। यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, कोई भी चैनल आपको रिमूव करना है वो रिमूव करके आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इससे आप एक पेमेंट समरी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे जिसमें आपके चैनल काउंट्स, आपके टोटल अमाउंट B2B B2C कितना अमाउंट है, और आपका NCF अमाउंट कितना है, एंड कौन सा पैक है। यहाँ से मैं सबमिट करता हूँ तो ये एक जो LCA को हम एक यूज़र नेम और EPRS पासवर्ड होता है वो आपका एक पॉपअप पे ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपना EPRS पासवर्ड मेंशन करना है, और यदि मैं यहाँ से कंफर्म करता हूँ तो मेरा एक न्यू एक्टिवेशन आ चुका है, और ये मेरे पास सक्सेस का रिसिप्ट आ चुकी है, और ये मेरा एक्टिवेशन है। अब मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड को रिफ्रेश करना है। अभी मैंने एक सिटी UAT के नाम से मैंने एक न्यू एक्टिवेशन किया था, और ये मेरा न्यू एक्टिवेशन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।